रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बिहार के लोगों को मिला एक और एम्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पीएम मोदी ने किया शिलान्यास। केंद्र की मोदी सरकार ने अप्रोक्ष रूप से बिहार की जनता को देवघर एम्स और एयरपोर्ट के रूप में एक नायाब तोहफा दिया है। संथाल परगना के कई जिलों के साथ साथ बिहार के जमुई, बांका, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, पुलिस जिला नवगछिया सहित आसपास के लोगों को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। जानकारों की माने तो भागलपुर से जहां देवघर की दूरी मात्र 100 किमी के अंदर है, वहीं राजधानी पटना की दूरी लगभग 200 किमी है। एक तरह से कहा जाए तो एम्स या एयरपोर्ट का निर्माण भले पड़ोसी राज्य झारखंड में होगा, लेकिन बिहार की आधी आबादी को भी इसका लाभ मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को झारखंड दौरे पर धनबाद के बलियापुर पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री बलियापुर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान राज्य में 27,212 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे देवघर में एम्स निर्माण कार्य का शिलान्यास का मौका मिला। गरीबों को अच्छी सुविधा मिले, उस पर काम कर रहे हैं। यहां टूरिज्म के लिए भरपूर संभावना है, इसलिए एयरपोर्ट कनेक्टिविटी पर भी काम हो रहा है। हमारा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करें। झारखंड में विकास के लिए काम कर रहा डबल इंजन, उन्होंने कहा, झारखंड की धरती त्याग और बलिदान की धरती है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सपने की भी भूमि है। कोयले की खानें देश के विकास में ऊर्जा देने का काम कर रही है। जब मैं चुनाव में आया तो महसूस किया झारखंड को विकास के लिए डबल इंजन की जरूरत है, एक रांची वाला, एक दिल्ली वाला। दोनों सरकारों ने एक ही दिशा में काम किया और विकास हो रहा है। उन्होंने कहा, झारखंड सरकार और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि स्थानीय निकायों में भारी समर्थन मिला। मैं जब यहां 2014 में आया था तो कहा था, झारखंड जो प्यार दे रहा है उसे ब्याज समेत लौटाऊंगा। आज जो कदम उठाए वो झारखंड के विकास के लिए है। एक साथ 27,000 करोड़ रुपए का काम आज झारखंड की धरती पर हुआ है। 80,000 करोड़ रुपए की योजनाओं पर काम चल रहा है।